तो वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है, व्हाट इज डिफरेंस, क्या होता है बिटवीन लिंटल, क्या होता है, काफ़ी कंफ्यूजन रहती है या फिर इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंस लिंटल बीम, लिंटल या बीम के अंदर डिफरेंस बताइए, या फिर इनमें से आपको जानकारी होनी चाहिए कि लिंटल क्या होता है, लेंटर क्या होता है, बीम क्या होता है, स्लैब क्या होता है, सनसेट क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे लिंटल बीम के एंड सभी डिफरेंस के बारे में। तो काफ़ी कंफ्यूजन आपके भी रहती है या फिर सुपरवाइजर, जैसे कि सुपरवाइजर साइड पर होते हैं कि इनका डिफरेंस क्या आता है, इनका काम क्या होता है, या फिर क्यों बनाए जाते हैं लिंटल, हम क्यों बनाते हैं या फिर बीम हम क्यों बनाते हैं, क्या पर्पज़ रहता है इनका। तो लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप करके देखते हो तो आपकी नॉलेज में वो बातें नहीं रहती है जब हम कोई नया टॉपिक या फिर कुछ समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लिंटल क्या होता है। तो लिंटल आप तो जान लें कि हाँ लिंटल है, तो लिंटल हमेशा सबसे ज़्यादा बस यही होता है जो डोर एंड विंडो, जो ये ओपनिंग होती है इसके ऊपर जो आप प्रोवाइड करते हैं उसको आप लिंटल ही बोला जाता है। ठीक है, ये डोर हो गया आपका, ये विंडो होगी, या फिर डोर के ऊपर ही कर देते हैं या फिर अलग अलग ही कर देते हैं जहाँ पे भी ओपनिंग रहती है, या फिर स्लैब, जैसे कि आपका ओपन पोर्च हो गया, जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल आपको ओपन ही रखना है, ये नीचे वाला बिल्कुल ओपन ही रखना है, जैसे बरामदा बोल देते हो आप इसके ऊपर, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ये लिंटल रखा जाता है। ठीक है, ये लिंटल, इसको लिंटल ही बोला जाता है, इसको लिंटल ऐसे बोला जाता है कि ये ओपनिंग आपको रखना है तो उसके बाद ऊपर लिंटल प्रोवाइड करते हो। और बीम में ये डिफरेंस होता है कि एक तो होती है टाइप बीम, जैसे कि आपने डोर या विंडो के ऊपर एक लिंटल ना प्रोवाइड करके आप एक टाई बीम प्रोवाइड कर देते हो, टाई बीम जैसे कि आपको पूरा थ्रू आउट बीम, जैसे कि पूरा वाल के कॉर्नर से वाल के कॉर्नर तक थ्रू आउट बीम जाती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही रहता है कि ये भी आरसीसी की होती है, ये भी आरसीसी में प्रोवाइड करते हो आप, बिना आरसीसी का आप इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो रेइनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, जो लिंटल के ऊपर जो ब्रिक वर्क यूज हो रहा है, जो उसका लोड हो रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है बीम के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप ये कोई सीधा चीज़ ले लीजिए, इसके ऊपर कोई लोड डाल देंगे तो यही तो 100 सेफ लोड लेगा इसको, ताकि ये बेंडिंग नीचे, बेंड मोमेंट ना होने दे। ठीक है, तो यही इसका पर्पज़ रहता है। और जैसे कि आपका टाइबिंग हम डाल देते हैं चारों वाल से पूरे आउटर से आउटर वाल के, जैसे कि एक हाइट लेवल तक, जैसे कि 7 फीट की डोर पे हाइट है आपका या फिर 8 फीट की हाइट पे है, तो इस डोर पे हम हाइट पे टाइबिंग डाल देते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए। तो और जबकि हमारा जो बीम होता है, तो जो बीम बोला जाता है ये हमारा, ये भी बीम का काम होता है टाई बीम, और ये भी हमारा बीम बोला जाता है, और ये जो हम प्रोवाइड करते हैं नीचे, इसको हम बोलते हैं प्लिंथ बीम। ठीक है, अगर ये 4 इंची से थिकनेस से ज़्यादा ऊपर है तो प्लिंथ बीम, ये भी इन्फोर्समेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये जो प्रोवाइड करते हैं हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए, और जो वाल होता है डेड लोड, वाल का डेड लोड प्लस बीम, जो सभी का जो लोड है, कॉलम का लोड वो ट्रांसफ़र हो रहा है आपका बीम के ऊपर, और बीम का जो लोड ट्रांसफर वाला आपका कॉलम के ऊपर, तो लोड को ट्रांसफर करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको बीम प्रोवाइड करते हो आप। ठीक है, तो बीम का हमारा जो लोड हो रहा है, जो ये बीम होती है जो टॉप पे, तो इसका जो स्लैब है, जो स्लैब का जो लोड ट्रांसफर को रहा कहाँ पर हो रहा है, बीम के ऊपर। ठीक है, तो हमारा ये बोला जाता है। तो इसमें हम अगर लिंटल की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, सपोर्ट टू दी वॉल, ठीक है, तो ये जो भी सपोर्ट हो रहेगा तो ओपनिंग के ऊपर रहता है। तो इसका और देख लेते हैं बियरिंग, तो इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहता है बियरिंग क्या होता है, आपसे कंफ्यूज क्वेश्चन भी करते हैं। तो बियरिंग ये होता है जो भी वाल होती है, ब्रिक वाल जो होती है, जो बीम का जो पोर्शन होता है, देखिए ये तो होता है आपका बियरिंग, और जबकि इसके अंदर जो बीम के अंदर होता है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। जो भी ये कॉलम होता है, जो भी ये एर्शन, ये पोर्शन होता है, ये वाल जाती है, जो ये अपर इन्फोर्समेंट जाता है, इसको डेवलपमेंट लेंथ बोला जाता है, डेवलपमेंट लेंथ, जो कि इसका जो पोर्शन होता है वो इसके अंदर इंक्रीमेंट होता है, ताकि जो एंड पोर्शन है, अगर इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे तो अगर इसको फ्री भी कर देंगे, इसका सपोर्ट भी कर देंगे, तो ज़्यादा सपोर्ट कहाँ पर होता है, यहाँ पर सपोर्ट होता है, तो फ्री सपोर्ट होता है आपका, तो इसलिए हम उसको इसको डेवलपमेंट लेंथ, और इसको आपका बियरिंग, ठीक है, तो उसको बियरिंग बोला जाता है। जैसे कि आपका जो थिकनेस होती है, हमेशा याद रखना कि जो बीम की विड्थ होती है, जितनी चौड़ाई होती है उतनी आपको इसमें डेप्थ रखनी होती है। तो एक स्टैंडर्ड वो लेके आऊँगा थंब रूल के अकॉर्डिंग, कितनी ओपनिंग में हम कितनी थिकनेस में रख सकते हैं, ठीक है, तो ये हमको बियरिंग इतना रखना होता है, और बीम हमारा ये होता है। उसके बाद हमें, तो इसमें हमने इस पॉइंट्स के बारे में जाना था हमने, तो जैसे कि आप यहाँ पे जान सकते हो लिंटल के बारे में, जो मैंने नोट्स बनाए हैं आप इसको नोट्स बना सकते हो, ताकि आपके फ्यूचर के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए, या फिर आपकी नॉलेज के लिए आप इसको नोट्स कर लेंगे, तो कन्फ्यूज़न जो आपके अंदर रहती है वो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। ठीक है, तो लिंटल हम जान लेते हैं, सपोर्ट दी वाल, देखिए जो लिंटल होता है ऑन सपोर्ट दी वाल करता है आपका, जो लोड होता है आपको वाल का, वो लोड को ट्रांसफर करता है आपको, ये ट्रांसफर करता है,
लिंटल के ऊपर जो ओपनिंग होती है वो भी इसको बेयरिंग करता है, इसको भी ओपनिंग करता है। जैसे कि जो वाल है, अगर हम इसको लिंटल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ओनली वाल कर देंगे तो जो टोटल वाल का लोड है डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका ओपनिंग के ऊपर। अगर यहाँ पे भी हम ये लिंटल प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये ओपनिंग ऑफ ब्रिक वर्क कर देंगे तो जो ब्रिक वर्क है वो लोड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा अपॉनिंग सेल्फ वेट पर, ठीक है। तो जिसका एंड पॉइंट रेस्ट ऑन वाल, जो भी आपका जो लिंटल होता है, जो एंड पोर्शन होता है, जो कहाँ पे रेस्ट करता है आपके वाल के ऊपर, इसको हम बोलते हैं बियरिंग, ठीक है। नॉट पार्ट ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर, ये जो लिंटल होता है फ्रेम स्ट्रक्चर का ही पार्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम इसको बिल्कुल टाई बीम कर देते हैं तो फ्रेम स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता है। जैसे कि बी एफ का प्लेन बीम हो गया, अब उसके बाद अपना यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद आपका स्लैब बीम या फिर फ्लोर बीम, इसको बोल सकते हो फ्लोर बीम प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो वाल लोड ओवर ओपनिंग, देखिए जो भी वाल का लोड हो रहा है, जो ओपनिंग है उसके ऊपर जो लिंटल हमने प्रोवाइड किया उस पर ही टोटल जो लोड और ट्रांसफर इसके ऊपर है। जो भी विंडो रहेगी इसका, जो फ्रेम स्ट्रक्चर, जो भी विंडो का जो आपका किसी भी मटेरियल में ले सकते हो, आपके वुडन में या फिर एल्यूमिनियम में जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो उनके ऊपर जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो लिंटल प्रोवाइड करती है उसको कम कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो डोर विंडो आपके लोड हुआ, जो वाल का लोड ऊपर आ जाता है तो ये बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये इफेक्ट होता है इसका। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो विड्थ होती है, विड्थ ऑफ वाल के बराबर होती है। जितना भी लिंटल की जो चौड़ाई, जो लिंटल की जितनी भी चौड़ाई आप रखें, जैसे कि 9 इंची की वाल है तो 9 इंची का ही चौड़ा आपको लिंटल प्रोवाइड करना है। अगर आपकी 4 इंची की वाल है तो 4 इंची का ही आपको लिंटल प्रोवाइड करना है। उसके बाद देख लेते हैं बीम। बीम के बारे में, ट्रांसमिट लोड फ्रॉम स्लैब टू कॉलम वाल। जो भी ये आपका बीम है, जैसे कि ये आपकी ग्राउंड फ्लोर या आपकी फर्स्ट फ्लोर, तो ये भी जो हमने बीम प्रोवाइड किया या फिर प्लिन बीम हमने जो प्रोवाइड किया, तो इसका जो लोड है, जैसे कि आपका वाल का लोड हो गया प्लस फ्लोर जितने भी ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो उसका जो लोड हो रहा है एंड पोर्शन में, जैसे कि आउटर वाल में, जो इंटरनल बीम करते हैं उस पर नहीं होता है, जैसे आउटर वाल पर तो लोड ट्रांसफर हो रहा है इसके ऊपर, बीम के ऊपर ही। और जो इसका जो बीम का जो लोड सारा ट्रांसफर हो रहा है, सारा सपोर्ट हो रहा है आपका कॉलम के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो लोड आपका कॉलम ही लेता है, डिस्ट्रीब्यूट सारा जो कॉलम लोड करता है। बट लेकिन फ्लोर वाल डायरेक्ट लोड कहाँ पे लोड ट्रांसफर हो रहा है, बीम के ऊपर, इसलिए हम फ्रेम स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। तो एंड सपोर्ट ऑन कॉलम, देखिए जो बीम, जो जैसे कि आपका जो बीम होता है, जो एंड सपोर्ट जो कहाँ पर रेस्ट करता है आपका कॉलम के ऊपर, इसी को फ्रेम स्ट्रक्चर बोला जाता है। जैसे कि आपने ये बनाया बीम, ये भी नीचे बीम हो गया, ये कॉलम हो गया। जैसे कि कोई भी अर्थक्वेक लोड है, जैसे कि अर्थक्वेक आता है तो इसके मूवमेंट करता है, शीयर फोर्स की तरह मूवमेंट करता है। वाइंड लोड आता है वो भी ऊपर इस तरह से फोर्स लगाता है इसके ऊपर, तो जब भी हम सपोर्ट ये यूज करते हैं तो प्रॉपरली से इसको रेजिस्ट कर लेता है, ठीक है। आपने वो देखा होगा, वाटर टैंक देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सी ये एजिंग बना देते हैं, तो इस तरह से ये टॉपर बना देते हैं। तो इसका प्रॉपर्टी ऐसा रहता है कि अर्थक्वेक या फिर कोई लोड बाहर की तरफ ना फैले या फिर इंटर की तरफ ना फैले, सपोर्ट कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे कोई सपोर्ट देता है, इस तरह सपोर्ट देते रहते हैं ताकि ये पोर्शन है आउटर की तरफ ना फैले, इसी वजह से ये इंटरनल सपोर्ट दे दिया जाता है। फ्रेम स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल मेंबर, जो भी आपका जब बीम प्रोवाइड करते हो, ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर का मेंबर होता है। जैसे कि आपने बोला कि कॉलम, बीम एंड स्लैब, कॉलम और बीम, स्लैब, ये क्या होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। और लोड बियरिंग स्ट्रक्चर वो कहलाया जैसे कि आपने ओनली कॉलम प्रोवाइड कर दिए, स्लैब प्रोवाइड कर दी, और आपके पास कॉलम भी नहीं प्रोवाइड करते हो या फिर ओनली स्लैब प्रोवाइड कर देते हो, जिसमें आप ब्रिक वर्क जो ओनली यूज करते हो, लिंटर प्रोवाइड कर देते हो, वो आपका लोड बियरिंग वाल, मतलब कि जो वाल से ही सारा लोड ट्रांसफर हो रहा है फ्लोर के। तो ट्रांसफर लोड स्लैब ऑन फ्लोर, देखिए जो आपका जो लोड हो रहा है आपके, मैंने बताया जैसे कि फ्लोर का लोड है, तो सभी जो ट्रांसफर कर रहा है आपका बीम के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है। तो स्ट्रक्चरल मेंबर, आपने देखा होगा कि काफ़ी डिजाइनिंग भी कर देते हैं आर्किटेक्ट वाले, क्या कहते हैं, डिजाइनिंग कर दे इस तरह से, ये बीम प्रोवाइड कर दे इस तरह से काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग करने के लिए, यो भी इसको भी बीम बोला जाता है। उसके बाद देख लेते लेंटर। तो लेंटर क्या होता है, लेंटर आपका एक देसी भाषा होता है। जैसे कि किसी यूपी में या फिर हरियाणा से फिर किसी राजस्थान से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे इधर हम बोल देते हो लेंटर। तो लेंटर वो होता है आपको, जैसे कि छत, जैसे कि एक छत बोल देते हो, वह लेंटर बोलते हो आप उसको, लेंटर। यहाँ उसने आपने लेंटर डाल दिया, लेंटर वो उसको बोला जाता है, ठीक है। सिंपल छत को भी ऑलमोस्ट लेंटर बोल देते हो, या फिर एक रूम के अंदर ज़्यादातर आपने देखा होगा, ये आपका रूम हो गया है तो ये आपकी स्लैब है, तो स्लैब के ऊपर एक द्विछत्ती आप ज़्यादातर इसको बोलते हो, कहाँ कहाँ पे बोलते हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि द्विछत्ती आप क्या आपके शहर में बोला जाता है, तो उसकी द्विछत्ती बोल देते हो, या फिर ज़्यादातर लोग इसको लेंटर बोल देते हैं कि हमने लेंटर डाल दिया इसके ऊपर स्टोरेज कर रखने के लिए,
या आपका रूम या आपका ये गेट हो जाता है, तो एक्स्ट्रा जैसे कि कहीं पे शहरों में तो क्या बनाते हैं, स्टोर रूम बना देते हैं, पर लेकिन कमरों के अंदर एक लेंटर प्रोवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो स्टोरेज का पर्पज़ के लिए इसको यूज कर लेते हैं। क्लियर हो गया लेंटर के बारे में। उसके बाद जानेंगे हम स्लैब के बारे में कि ये स्लैब होता क्या है। स्लैब आपका जो भी लोड होता है, वॉल लोड का और लाइव लोड और डेड लोड, जो स्लैब का जो प्रॉपरली स्लैब पर ही प्रोवाइड होता है। स्लैब आप कई तरीके से बोल सकते हो, जैसे कि आपको आरसीसी स्लैब हो जाता है। आरसीसी स्लैब तो आपका ये छत हो गया, लेंटर, ठीक है। उसको हिंदी भाषा में बोल देते हो आप लेंटर, उसको स्लैब ही बोला जाता है। और जो आपने ये प्रोवाइड किया, ये भी एक आरसीसी की स्लैब, एक थिकनेस इसकी मेंटेन है, जैसे कि एक थिकनेस फिक्स है, जैसे 6 इंची है या फिर 4 इंची है, थिकनेस फिक्स्ड है। और इसका एरिया कंटेन करना होता है कि कितने एरिया में बनती है। जैसे कि इसी तरह आप रोड में पेमेंट करते हो, जैसे कि रोड पेमेंट काफ़ी बोलता है कि रोड पेमेंट होता क्या है, तो रोड पेमेंट आपकी जैसे कि अपने फर्स्ट लेयर में डाला अपने ब्रिक ब्लास्ट या फिर स्टोन ब्लास्ट, सेकंड लेयर में अपने 40 mm ब्लास्ट डाला, तो वो भी एक बेस, वो भी आपका लेयर ही बोला जाता है, ठीक है, जो भी पेमेंट होता है। तो ये आपने आरसीसी के अंदर डाला, इसमें आपने स्टील प्रोवाइड किया, या फिर सीसी पेमेंट भी बोल देते हो, या फिर आप आरसीसी पेमेंट या फिर आरसीसी स्लैब, जो भी ये कंक्रीट या फिर कंक्रीट प्रोवाइड करते हो, तो वो आरसीसी स्लैब बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका किचन काउंटर, जो किचन काउंटर है वो तो तैयार होने के बाद किचन काउंटर है, जैसे कि आपने ये किचन बनाया अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने जो स्लैब डाली तो उसको भी किचन स्लैब ही बोला जाता है, ठीक है। ना इसको लेंटर बोलेंगे ना इसको बीम बोलेंगे, तो ये किचन स्लैब ही बोला जाता है इसको। तो फास्ट काउंटर का जब इसको टैल वेल लगाने बाद किचन काउंटर इसको बोला जाता है। उसके बाद देख लेते हैं सनसेट। सनसेट होता है हमारा, जैसे कि ये आपको सनसेट प्रोवाइड करते हो, तो सनसेट आप किसी भी क्वालिटी में प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो पोर्शन बोला जाता है आपका सनसेट या फिर कैंटिलीवर स्लैब, इसको ज़्यादातर हिंदी भाषा में वो मोस्टली आप बोलते हैं, तो कैंटिलीवर स्लैब। अगर इसकी डिपेंड करता है कि विड्थ पर, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है तो वो कैंटिलीवर स्लैब हो जाता है। अगर इसको तो बस मैनुअली इसको ओपनिंग किस पर्पज़ के लिए डाल रहे हो आप, जैसे कि डोर विंडो होता है, इसके ऊपर आप प्रोवाइड कर देते हो ताकि इसमें कोई धूप ना लगे या फिर कोई बरसात हो तो वो बाहर से बाहर निकल जाए, गिर जाए ऐसे, तो वो आपको बोला जाता है सनसेट। छज्जा इसको बोला जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। लिंटल और बीम के बारे में आपने पूछा था, प्री कास्ट के बारे में, तो प्री कास्ट भी लिंटल प्रोवाइड होता है। तो प्री कास्ट, अगर प्री कास्ट आप यूज कर रहे हो लिंटल या फिर बीम, तो डिपेंड करता है आपकी उसके रेनफोर्समेंट में या फिर लोड बेरिंग पर, कि आपका जो लोड है कितना है। जैसे कि कहाँ पर यूज करते हैं, तो प्री कास्ट कहाँ पर, अगर एसी ब्लॉक, तो एसी ब्लॉक यूज कर रहे, तो वहाँ पे एसी ब्लॉक का ही यूज कर लेते, क्योंकि जो लोड है बस इसका लोड आ रहा है, जो ये पोर्शन है इसका लोड आ रहा है जस्ट ओनली लिंटल के ऊपर। जबकि जो ये बीम प्रोवाइड करी, बीम का जो लोड है रहा टोटल यहाँ पे कॉलम पे ही ट्रांसफ़र हो रहा है, और बीम के ऊपर जो आपका स्लैब है, जो आपकी स्लैब है वो आपका बीम के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो कुछ बेसिक्स पॉइंट है जो हमने आपसे शेयर किए, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे मेरे साथ ही सर टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।